सब्सक्राइब करें टक पंग शर्मा जी चैनल को एंड उसके बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन के जितने भी मीडिया हैं जैसे कि उसके वीडियोज़ या फिर उसके फ़ोटोज़ या फिर उसके ऑडियोज़ को आप कैसे अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर के ऊपर या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर कास्ट करेंगे वाईफाई के थ्रू, वो भी वायरलेस। तो सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसमें आपको कोई भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और आप इसमें जीरो लैग के साथ जो है आप विथ ऑडियो आप जो है शेयर करेंगे विदाउट किसी सॉफ्टवेयर को यूज किए हुए। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ईजी वे में जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ पाएगा कि आप अपने स्मार्टफोन के सारे मीडिया को अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर कैसे मिरर करेंगे, मतलब कि कैसे कास्ट करेंगे विदाउट किसी सॉफ्टवेयर को यूज किए हुए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्मार्टफोन के अंदर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, बट आपको यहाँ पर आपके कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा और आप किस माध्यम से यूज करेंगे अभी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर स्मार्टफोन पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद आप सर्च कीजिए बबल UPN एंड जैसे आप सर्च करेंगे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा बिल्कुल ही फ्री में, ये एप्लीकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा और ये जो है आपका फ्री एप्लीकेशन है। तो इसे सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको इसका लॉगो देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो आप इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद हो सकता है आपसे कुछ परमिशन मांगे और कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आए। तो आप यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कीजिए एंड सबसे पहले तो आप इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। अब आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर से अपने हॉटस्पॉट को ऑन करना है या फिर जो है आप अगर राउटर का यूज करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप को और अपने स्मार्टफोन को सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना है या फिर आप किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप USB केबल से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपको दे दूंगा। आप USB केबल के माध्यम से भी कर सकते हैं बट मैं आपको अभी वाईफाई के माध्यम से बता रहा हूं। तो आप अपने स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए और मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप मैं जो यहाँ पर अपने स्मार्टफोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ। अब आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर आप जिसमें भी करना चाहें उसके ऊपर आपको यहाँ पर विंडो मीडिया प्लेयर जो है सॉफ्टवेयर वो प्री इंस्टॉल्ड रहता है सारे विंडोज़ के अंदर आपको मिलेगा। तो आप इसे ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। जैसे आपका जो है विंडो जब आप इसमें इंस्टॉल करते हैं तभी ये आपका विंडो के साथ इंस्टॉल हो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको स्ट्रीम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑफ माई प्लेयर इस पर आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद अब आपका हो चुका है कंप्यूटर के ऊपर से सारा वर्क कंप्लीट। अब आपको स्मार्टफोन के अंदर वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था जो आपने उसे आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको नीचे में मोर का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप जिस भी चीज़ को करना चाहें वो आप यहाँ पर से ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर मैं आपको अभी एक वीडियो करके दिखाता हूँ विथ ऑडियो आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वीडियो के ऊपर, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है ऑल वीडियोज़ के ऊपर। आप या फिर अपने फाइल्स के मुताबिक से भी प्ले कर सकते हैं, आप जिस भी टाइप से चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्ले करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो को प्ले करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो को प्ले कर लेता हूँ और आप अभी यहाँ पर जैसे प्ले करेंगे तो प्ले करने के बाद यहाँ पर आपको जो जस्ट वन या फिर ऑलवेज दिखेगा या फिर ऑटोमेटिकली भी इस तरीके का इंटरफेस आ सकता है। तो अब आपको ओके पर क्लिक करना है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट बस जो यहाँ पर स्टेप है बस आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपका जो भी कंप्यूटर का नेम है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप प्ले पर क्लिक कीजिए और आपका जो ये कनेक्ट हो चुका है। तो मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे प्ले किया यहाँ पर आपको एक या दो सेकंड लगेगा आपके कास्ट होने में जो कि फर्स्ट टाइम लगेगा। तो अभी मैंने जो यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा जो इसे पॉज किया है, तो आप अपने स्मार्टफोन से भी पॉज कर सकते हैं कंप्यूटर से भी और कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से सारा कुछ, मतलब कि साउंड अगर आप लो करना चाहें वो कर सकते हैं, फुल करना चाहें वो कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं अभी वीडियो को फुल जो है प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास जो कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब का इस सॉन्ग के लिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ मिरर करते हैं तो यहाँ पर अगर आपके स्मार्टफोन पर कुछ कुछ ऐसे भी जो हैं वीडियोज़ वो होंगे जो आपके कंप्यूटर पर कास्ट नहीं होंगे वहाँ पर कुछ एरर दिखेगा।
क्योंकि वो जो है सपोर्ट नहीं करेगा, बस इतना ही आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपका 99% वीडियो जो है वह प्ले हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको स्मार्टफोन से अभी प्ले करता हूँ एंड साउंड को इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाता हूँ। अभी आप हमारे कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देखें, आप यहाँ पर आपको साउंड दिख रहा होगा, अभी ऑटोमेटिकली साउंड जो है वह इंक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ पर अपने वैल्यूम बटन को प्रेस करके रखा है एंड 100 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड इंक्रीज हो चुका है। और अभी मैं अपने स्मार्टफोन से साउंड को डिक्रीज करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। अगर आप यहाँ पर अगर आप सॉन्ग को प्ले करना चाहें तो सिंपल आप मोर पर क्लिक करिए, ऑल वीडियो पर आइए। आने के बाद आप अपना जो है एक वीडियो को वहाँ पर से प्ले कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक और वीडियो को यहाँ पर से प्ले किया है और ये हमारा देख सकते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस तरीके से विथ ऑडियो के साथ आसानी से अपना जो है किसी भी चीज़ को कास्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कीजिएगा ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले।